नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2008 का सवाल है इट सेज अ पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी अराउंड द पॉइंट और हमें बताना है ग्राफ को देख के डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कि किस जगह पे अपनी स्पीड सबसे ज़्यादा होने के चांसेज हैं सबसे ज़्यादा होगी ना no. uh, ग्राफ को एक बार बना के देखते हैं ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है कि पहले आपकी ऐसे वेलासिटी गई और फिर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है ये आपका पॉइंट यहाँ पर कहीं ए है और यहाँ पे कहीं बी है यहाँ पे सी है यहाँ पे डी पॉइंट है ना बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है सो वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ये अपना स्लोप होएगा तो so, जहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है वहाँ पे आपकी वेलोसिटी ज़्यादा होएगी और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होगी ना बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का स्लोप सबसे ज़्यादा है सो बेस्ड ऑन दिस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट चॉइस नाउ इस तरह के सवालों से हमें थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है अपने एग्जाम हॉल में बिकॉज यहाँ पे कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कई बार दिमाग में चल रहा होता है सी 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 के सी पे सबसे ज्यादा स्पीड होएगी और उस गलती से उस गलत फहमी में उसमें जल्दबाजी में वो ऑप्शन नंबर सी मार्क कराते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट द करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज डी से सी आई होप आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ सो so, जब भी आप ओम आर भरे वो ओम आर भरते हुए बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि जगह सी है लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट चॉइस है all right? uh, all right.